हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। लास्ट वीडियो में हमने 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था। उस समय हमारे देश का आर्थिक हालात कैसे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे देश का बैकग्राउंड क्या था, किन हालातों के अंदर हमें देश के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े, इसके बाद ये जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इसके बेसिस कौन कौन से थे, जिसके अंतर्गत हमने आपको ब्रीफिंग की थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा हमने डिटेल डिस्कशन किया था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, दैट मीन वाज टू अनशेकलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम द कोबवेब ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अर्थव्यवस्था को सरकारी अफसरशाही, सरकारी हम इधर राजनीतिक दलों के मकड़ जाल से मुक्त करना और अर्थव्यवस्था को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना, किसके अंदर लिया था हमने, लिबरलाइजेशन के अंदर। टुडे आवर टॉपिक ऑफ फर्दर वी विल डिस्कस नाउ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज हम जो हमारे टॉपिक डिस्कशन का है दैट इज प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा? निजीकरण। होता क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ bringing, it refers to the process of bringing public sector enterprises, public sector enterprises either partially और कंप्लीटली आइदर पार्शली और कंप्लीटली अंडर प्राइवेट ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? 1991 से पहले मैक्सिमम जो बिजनेस सेक्टर थे वो गवर्नमेंट के अधीन थे, उनमें से ज़्यादातर जो बिजनेस सेक्टर है वो लगातार नुकसान में चल रहे थे। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, या फिर हम ये कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज कि जो भी सरकारी कंपनियाँ हैं उसमें से सरकार के द्वारा अपनी हिस्सेदारी कम करना, उन सरकारी कंपनियों को या तो पूरी तरीके से या उसमें से अपना एक हिस्सा निजी व्यक्तियों को ट्रांसफर करना, इन सरकारी कंपनियों का मालिकाना हक या स्वामित्व निजी व्यक्ति, हम कहते हैं सरकारी के द्वारा अपने इन कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी को कम करना और अपनी हिस्सेदारी, अपने मालिकाना हक पूरे तरीके से या अपनी कुल पूंजी का एक हिस्सा या हिस्सेदारी का एक हिस्सा निजी वर्ग के हाथ में ट्रांसफर करना, क्या बोलते हैं उसको हम? प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के मेन फीचर क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्रमोटिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बेटा अक्सर एक बात कही जाती है, एक बात मानी जाती है कि सरकारों का काम देश चलाना होता है, व्यापार चलाना नहीं। किसी भी देश की सरकार है उसका काम है कि उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जाए,
ना कि उस देश के व्यापारों को चलाना सरकार का काम होता है। तो प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत जो एक मेन फीचर होता है वो क्या होता है कि निजी सेक्टर को बढ़ावा देना और सरकारी सेक्टर है या हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर है उसके रोल को कम करना। सेकंड होता है रिड्यूसिंग फिस्कल बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उस समय अधिकतर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो लगातार नुकसान में चल रहे थे। उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम था और एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे जिसके कारण गवर्नमेंट का जो फिस्कल बर्डन है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे वो सरकारी उपक्रम वो गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो लगातार नुकसान में चल रहे थे सरकार ने उनका स्वामित्व उनका मालिकाना हक निजी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जिससे सरकार का जो फिस्कल बर्डन है फिस्कल डेफिसिट का जो कहते हैं लॉस है बर्डन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। इसके अलावा रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। सरकारी मशीनरी का जो साइज है या रोल है वो सीमित करना उसका दायरा व्यापार तक ना होके देश के प्रशासन तक रखना। सरकारी मशीनरी का जो दायरा है उसे राज्य के देश के या इलाके जो हम कहते हैं अलग अलग क्षेत्र है जिलों के अलग अलग शहरों के प्रशासन तक सीमित रखना। देश की विदेश नीति बनाना देश को अलग अलग क्षेत्रों में आगे लेके जाना बजाय कि कारोबार करना। तो सरकारी मशीनरी के आकार को कम करना भी प्राइवेटाइजेशन का एक मुख्य उद्देश्य था कि सरकार की चिंता व्यापार चलाने की ना हो सरकार अपना पूरा ध्यान जो है वो देश को किस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके इस पर अपना पूरा फोकस कर सके। नेक्स्ट इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ अक्सर सरकारी जो कंपनियां होती थी उनका जो संचालन है वो IAS IPS ऑफिस या हम कहते हैं IAS ऑफिसर्स के द्वारा अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स अफसरों के द्वारा किया जाता था। ये IAS ऑफिसर वैसे तो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं मगर व्यापार के संचालन की इनको इतनी समझ या अनुभव नहीं होता। तो प्राइवेट सेक्टर के अधीन लाके इनको इनकी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत मैनेजमेंट हाईली क्वालिफाइड होती है जो लाभ अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है और संसाधनों का बेहतरीन से बेहतरीन अधिकतम इस्तेमाल करने में भरोसा करती है। तो इन सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने के पीछे सरकार की एक मंशा ये भी थी कि इन उपक्रमों की प्रबंधन व्यवस्था को इनके मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए जिससे ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ये लॉस से बाहर निकल के मैक्सिमम प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न कर सके जिससे देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल सके। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हम कहते हैं ICICI बैंक है IDBI बैंक है या HDFC है। शुरुआती दौर में ये सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे बट जब बाद में इनको प्राइवेटाइज किया गया तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल ऑपरेशन के अंदर कन्वर्ट हो गए और आज देश की इकोनॉमी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ओके बेटा नेक्स्ट इंक्रीजिंग गवर्नमेंट ट्रेजरी। इनका निजीकरण करने से सरकारी उपक्रमों का सरकार का जो फिस्कल बर्डन है वो कम हो गया और प्राइवेट पर्सन्स को प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इनकी ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई जिससे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के रूप में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ जिससे गवर्नमेंट की ट्रेजरी है सरकारी खजाने के अंदर भारी मात्रा में रकम जमा हुई। ओके इससे सरकार का पास बहुत भारी मात्रा में पैसा आया जिसका इस्तेमाल सरकार जो है वो देश के विकास में कर सकती थी। और एक लास्ट इसके अंदर जो इसके फीचर थे दैट वाज इंक्रीजिंग कंपटीशन अमंग पब्लिक और
सेक्टर अधिकतम या अधिकतर सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने के पीछे सरकार की एक मंशा यह भी थी कि निजी उपक्रमों या हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्वस्थ प्रतियोगिता हो, जिससे इन दोनों ही एंटरप्राइजेस के अंदर जो एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, वो कंपटीशन की भावना पैदा होने से अधिक से अधिक काम करने की भावना पैदा हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और दोनों के ही लाभों में बढ़ोतरी हो, जिससे देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके। ओके तो बेटा ये सभी आपके मेन इंपॉर्टेंस थी, मेन फीचर्स थे किसके, लिबराइजेशन के पीछे, सॉरी प्राइवेटाइजेशन के पीछे, जिसके अंतर्गत सरकार ने अपना मालिकाना हक कम कर लिया सरकारी उपक्रमों से, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में से, और वो जो मालिकाना हक है वो निजी व्यक्तियों के हाथ में ट्रांसफर कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है बेटा आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं वैश्वीकरण। इसको क्या बोलते हैं हम, वैश्वीकरण। मतलब क्या होता है इसका, इट रेफर्स टू कनेक्टिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी, इट रेफर्स टू कनेक्टिंग टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना या घरेलू अर्थव्यवस्था के दरवाजों को दूसरे विश्व की कंपनियों के लिए खोलना, एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसके अंतर्गत हम इस अवधारणा को मजबूत करते हैं कि पूरी धरती ही एक वैश्विक गांव है, दुनिया के सभी देश एक, हम कह सकते हैं, इस वैश्विक गांव का एक हिस्सा है, जिसके तहत किसी भी देश की कंपनी हमारे देश में आके कारोबार करे, अपना माल बेचे, अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, हमारे देश में पास इन्वेस्ट करे, और हमारे देश की कंपनियां भी फ्री है किसी भी देश में जाके व्यापार करने के लिए, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वहां अपना माल बेचने के लिए या वहां पर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था जोड़ना, जिसमें पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सभी देशों के नागरिक एक दूसरे देशों के अंदर फ्रीली विजिट कर सके, फ्रीली पूंजी का प्रवाह हो सके, टेक्नोलॉजी का प्रवाह हो सके, माल का प्रवाह हो सके और उद्योग धंधों का प्रवाह हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, मेन फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर, फर्स्ट वन, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल कंट्रीज, एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो सके। इसका मतलब किसी भी देश की सरकार दूसरे देशों से आने वाले माल या सेवाओं के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगी, किसी भी देश के व्यापारी दूसरे देशों में अपना माल बेचने को, अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फ्री होंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार की बंदिशें नहीं लगाई जाएगी। सेकंड, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल कंट्रीज, इसका मतलब यह होता है कि दुनिया के किसी भी देश के जो भी निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो किसी भी दुनिया के दूसरे देशों की सिर्फ अपने घरेलू कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने जाए, दूसरे देशों की कंपनियों में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे देशों के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली। इसमें क्या बोलते हैं, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, किसी भी देश की कंपनियां, किसी भी देश के निवेशक किसी भी दूसरे देश की कंपनियों में या दूसरे देश के कैपिटल मार्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए फ्री हो, उसमें क्या बोलते हैं, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल कंट्रीज। इसी तरीके से फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी
in all countries. सूचना क्रांति का, सूचना का एवं तकनीकी का भी फ्री फ्लो हो, कोई भी देश जो है अब सूचनाओं का भी फ्री फ्लो हो या तकनीकी भी एक देश से दूसरे देश के अंदर आसानी से मूव कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। इसी प्रकार से इसके अंदर होता है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी देश के नागरिक पर्यटक के रूप में दुनिया के किसी भी देश में विजिट कर सकते हैं, वहां के देशों में घूम सकते हैं। देश, अलग अलग देश अपनी सीमाओं को एक दूसरे देशों के नागरिकों के लिए बंद नहीं करेंगे। सभी देश, किसी भी देश के नागरिक पर्यटक के रूप में किसी भी दूसरे देश के अंदर विजिट कर सकते हैं। और एक इसके अंदर होता है लास्ट, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म डिस्प्यूट सॉल्विंग मैकेनिज्म, यूनिफॉर्म डिस्प्यूट सॉल्विंग मैकेनिज्म इन ऑल कंट्रीज। अक्सर क्या होता है, अलग अलग देशों के कायदे कानून अलग अलग होते हैं, तो कई बार क्या होता है, विदेश दूसरे देशों से में कारोबार करने वाली कंपनियां, जब किसी एक देश में कारोबार करने वाली कंपनी जब किसी दूसरे देश में कारोबार करती है, तो कई बार किसी व्यापारिक जो भी हम कहते हैं विवाद होते हैं, उससे अलग अलग देशों के कानून अलग होने से कंपनियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इंडस्ट्री उद्योग जगत को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि पूरी दुनिया के अंतर्गत कोई भी, हम कह सकते हैं कि व्यापार से संबंधित जो भी विवाद वगैरह है उनको सुलझाने के लिए एक जैसा सिस्टम हो, एक जैसा मैकेनिज्म हो, जिससे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी बिजनेसमैन फ्री माइंड अपना कारोबार कर सके। डिस्प्यूट्स सेटलमेंट के लिए, विवादों के सुलझाने के लिए एक जैसा सिस्टम होना चाहिए, उसे किस समझ लेते हैं हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ओके बेटा, तो दीज आर मेन कॉन्सेप्ट्स अंडर प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सरकार के द्वारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में से, सरकारी उपक्रमों में से अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरीके से या आंशिक रूप से निजी व्यक्ति को ट्रांसफर करना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, आइदर पार्शली और कंप्लीटली टू द प्राइवेट सेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कनेक्टिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, या कनेक्टिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, जिसके तहत हम इस अवधारणा को पालन करते हैं कि पूरा विश्व ही एक वैश्विक गांव है, जिसके तहत किसी भी देश की कोई भी व्यापारिक फर्म किसी भी दूसरे देश में जाके व्यापार करने के लिए अथवा अपना माल बेचने के लिए अथवा पैसे का निवेश करने के लिए फ्री है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ओके बेटा, गुड, थैंक यू।